हेलो जी मेरे लोग प्यार प्रिय सत श्री अकाल। मैं सरबजीत कौर, मेरे चैनल रंगला पंजाब गंग सर्वे थोड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि तुम सारे ठीक ठाक होंगे। परमात्मा सब के घर तंदुरुस्ती खुशियां वसी, खास करके जिहड़े मेरे वीर देसा परदेसा दे विच वसदे उन्होंने परमात्मा अंग संग सदा सहाई रहे। तो अज वाली कहानी शुरू करन तो पहले एक रिक्वेस्ट है कि जेकर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक एंड शेयर जरूर करा करो। प्लीज़ कमेंट करके भी जरूर दसा करो कि तहानू जिहड़ियां कहानियां किदां दियां लगियां, तुसीं किदां दियां कहानियां सुननियां चाहुंदे, उस तरह का पूरी कोशिश करूँगी कि तुहाडी जो भी डिमांड है मैं पूरी कर सकां। टाइम लग सकता है पर पूरी जरूर की जाऊगी। जिवें कि बहुत सारे वीर है जिहड़े कि कहिंदे आ कि तुसीं चैनल का नाम है जोड़ा वो किस रिलेटड से इस तरह क्यों रखा, ये बारे तुम कोई जानकारी दो, जरूर दूंगी पर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, कई बार बिजी होंगे। एक इतिहासक इतिहास का पूरा वेरवा तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर ही आप किसी ना साझी कर सकते। इस करके मैं थोड़ा जहा टाइम दो, जरूर मैं इस चैनल के नाम बारे गल करूँगी। तो आओ आप फिर एक अज नवी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दानी शहजादा। पुराने समय की गल है कि एक शहर के एक दानी शहजादा सी, उन्हूं दान पुन करन दा बहुत ही ज़्यादा शौक सीगा, ते वो गरीबां दी मदद बहुत ज़्यादा करता सीगा। जो भी उहदे कोले पूंजी हुंदी सी वो गरीबां विच वंड दिंदा, सब दी हैल्प करदा। उन्हूं ये हुंदा सी कि मेरे प्रजा का कोई भी इदां दा इंसान ना होवे जिहड़ा कि गरीबी दे नाल जूझ रहा होवे, हमेशा मेरी बाजा जी पूरी खुश तो शानो शौकत न रहनी चाहिए है। इस तरह वो जी प्रशंसा सी देशों प्रदेशों प्रदेशों के चलेगी, अरबा देशों के फैल गई कि उस शहर का जरा राजा वो बड़ा ही दानी साहजादा तो दानी कहा बहुत ही ज़्यादा खुले दिलता है। तो बाकी देशों के जोड़े राजे से इस चीज़ तो जलन महसूस करते कि वह यहोजी की चीज़ है वो जी कि इन्नी वो प्रशंसा पूरे वर्ल्ड के हो रही है। तो एक शहर के राजे ने सोचा क्योंकि क्यों ना इस राजे का इस शहजादे का खात्मा किया जाए तो जी प्रशंसा खत्म हो जाए तो साड़ी मुड़ तो प्रशंसा शुरू हो जाए। चलो इस तरह होंदया हो बादशाह ने हुक्म दे दिते कि राजे का कतल किया जाए, पर शहजादे ये चीज़ मंजूर नहीं सी। उस शहर के राजे ये चीज़ मंजूर नहीं सी कि मैं किसी नाल मारन मराने वाली कोई किसी तरह का झगड़ा करा, क्योंकि इन चीज़ों तो कोहा दूर से, बस उन्होंने एक दानी दान कर ही शौक सगा, होर कोई शिकार वगैरह का किसी तरह का कोई शौक नहीं सी। आम राजा महाराजा बादशाह नाल सर एक अलग किस्म का राजा सी। जदों उन्हें यह चीज़ का पता लगा कि मेरे उपर अटैक होन लगा कि जी आसे पास जे बादशाह है वह मेरे उपर अटैक करे मैं मारनगे, तो उन्हें आपका महल छड़ के जंगलों में निकल गया, जंगलों के जाके लुके रहन लग गया। तो काफ़ी टाइम उन्होंने लुके न हो गया सीगा। तो जंगल के बीच एक घरेलू परिवार जोड़ा सीगा कि वह लकड़ा व्ढन आता हों डेली लकड़ा कट के आपके घर की रोजी रोटी चला। तो एक दिन वो हंब थक के थोड़े टाइम वास्ते आराम करने वास्ते एक दरख्त थले बैठ गए दोनों मियाँ बीवी। तो उपर शहजादा जिहड़ा सीगा उस दरख्त के उपर लोक के बैठा होया सीगा, तो उन्होंने गल्लां सुन रहा सी। दोनों मियाँ बीवी गल कर रहे सी कि सारा दिन आप लकड़ा कटते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो सिर्फ अपनी दो टाइम की रोटी बनती है भी, होर आप कुछ नहीं कमा सके पूरी मेहनत के विच। घरे जवान धियां हो गई, दो एक बेटा, उन्होंने जी अपनी पढ़ाई लिखाई च उन्होंने विह वास्ते अपने को कोई भी पूंजी नहीं कट्ठी हुई कि जी आप उन्होंने आप जो कार्य कर सकेंगे। तो सारा कुछ सुन के शहजादा थले उतर आया, कहता कि तुम ये करो कि मैनू लभन दियाँ बादशाह ने 500 मोहर इनाम रख्या होया है, तो तुम मैनू बादशाह दे जाके पेश कर दो तो थानू 500 मोहर जी मिल जाएगियाँ, तो थोड़ा वो बड़ा सोहना घर का टाइम पास हो जूगा, तो मेरा कोई नहीं मैं चला जाऊँगा, मैनू बादशाह जी कोई सज़ा दे दूगा तो कोई डर नहीं।
पर जिहड़ी तुहाड़ी गरीबी है वह निकल जाऊगी। तो वह किसान दोनों मियाँ बीबी कहते कि नहीं असी नहीं ये काम करना, तुसीं साडे ठहर जो एक बहुत वधिया राजे सीगे, बहुत साडी मदद की, जदों दा तुसीं राजमहल छड़ दिता तो असी भी गरीबी नाल जूझन लग गए, तो होर भी आसे पासे प्रजा का बहुत बुरा हाल है। तुसीं महल विच दोबारा चलो तो असी तुहाडी खातर असी सारे नाल लड़ लेंगे, तो पर तुसीं ये काम ना करो। तो उदों नूं बादशाह दे सिपाही भालदे भालदे उत्थे आ जांदे आ, तो वह शहजादे नूं फड़ के लै जांदे आ, तो नाल ही शहजादे दे वह दोनों लक्कड़हारा मियाँ बीबी उन्हां नूं लै जांदे आ। जदों उन्हूं बादशाह दे जाके पेश कीता जांदा तो जिहड़े बादशाह दे सिपाही हुंदे आ नाम लैण दी खातर वह आपदा आपदे नंबर बना लए सी कि असीं इहनूं फड़ के लै के आए हाँ, तो जो भी इनाम आ साडा जन के 500 मोहरां सानूं दित्तियां जाण। तो शहजादा कहिंदा कि नहीं ये झूठ आ, मैनूं एक किसान लै के आया, ये लक्कड़हारा लै के आया, ये गरीब परिवार आ, तो तुसीं इन्हां दी मदद करो, क्योंकि जिहड़ी इन्हां दी किसानी सी उह खत्म हो गई, तो ये हुण लकड़ां कट के घर दा टाइम पास करदे सी उह पूरा नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई बच्चों के विआह करने आ, तो इन्हां कोल कोई पूंजी नहीं हैगी, तो तुसीं वह 500 मेर मोहरा इन्हां नूं दे दो, तो तुसीं मैनूं सज़ा दे दो जो भी देनी आ, तो मैनूं ये लकड़हारा ही लैके आया। तो फिर बादशाह ने वो किसान लकड़हारे नूं मौका दिता कि तुसीं आपदी सफाई है जिहड़ी पेश कर सकदे आ, तो उस तो बाद ही आपां किसे मुद्दे ते पहुँचांगे। तो लकड़हारे ने सारी गल दसी कि इस तरह करके दरख्त उपर लुकया होया सीगा, साडियां सारियां गल्लां सुन के नीचे आके कहिंदा कि तुसीं मैनूं बादशाह दिल जाके पेश कर दो, तो जो तुहाडी जिहड़ी गरीबी वह निकल सकती है, तो मैनूं तुसीं अरैसट करा दो, कोई गल नहीं मैनूं जो भी बादशाह सज़ा देगा वह मैनूं मंजूर होगी। असीं इहनूं बहुत मना किया कि नहीं तू प्रजा का बहुत ख्याल किया भी जदों तो तुसीं प्रजा दे विचों राजमहल छड के बाहर निकले हो तो सारी प्रजा का बहुत बुरा हाल है, तुसीं जाके राजमहल चलो तो असीं तुहाडी पूरी सुरक्षा का ख्याल रखांगे। तो पर इहने नहीं मना कर दिता कि मैनूं राजमहल दे विच नहीं रहन दिता जाऊगा, कि बादशाह दे आदमी छड्डे होए आ मैनूं मारन वास्ते। जदों इह सारियां गल्लां सुनियां तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश होया, जिहड़ा राजा उस शहजादे नूं दिल तो इन्नी ज़्यादा नफरत करता सी कि हो सकदा दुनिया के कोई होर इहो जिहा इंसान ना होवे जिसनूं किसी ने कोई नफरत की होवे। पर इह सारियां गल्लां सुन के बादशाह दीआं अखां विचों हंझू आ गए, तो वह उठ के शहजादे नूं घुट के मिलिया तो आपका पुत्र बना लिया, तो उन्हों महल के राजमहल जा आग्ञा दी कि तुम जिमें पुत्र जी पहला लोगों की मदद करते सेवा करते उस तरह के महल में जाके सेवा करो, तो अज तो तेरी जान कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, तेरी जानी वाली असी सुरक्षित रहेंगे, असी देखभाल करेंगे, तो तू आपका पहला वांगू दान पुन चला रहे, तो ये तो एक सिक्ख्या मिलती है कि आप जो भी किसी की मदद करते हैं तो वह एक दिन आप फल जरूर मिलता है, चाहे अज मिले चाहे कल मिले, जे आप किसी का दिल दिखाने तो वह भी आप जवाब एक दिन जरूर मिल जाता है। इस करके कोशिश करया करो जिनी भी हो सके कि तुसी किसी का दिल ना दिखाओ, तुहाडी वजह ने किसी दी अखां विच हंझू ना आन, जे आप किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं लिया सकते तो आप किसी दी अखां दे विच हंझू लियाउंदे भी हकदार नहीं है। कई बार जाने अनजाने यहोजी गलतियां हो जाए कि जोड़ा बंदा सामने वाला हों दिल में बहुत वही ठेस पहुँचती है, पर जो सू चीज़ महसूस हो जाती है कि असी इतने गलत सीगे, इतने साड़ी गलती सी, इस वजह के नाल उस इंसान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची, वह साड़ी वजह नाल रोया, जोड़िया अखा के हंझू आ जी सिर्फ साड़ी वजह नाल, तो जो थोनों एहसास हो जाता तो उस गलती का पछताव करना थोड़ा यही फर्ज बनता है कि तुसी उस अखां दे हंझुआं नूं पुंजो, कोशिश करो कि उहदे अख चेहरे उपर दुबारा मुस्कान आ जाए, तो तुहाडी जिहड़ी आने वाली जिंदगी वह स्वर्ग बन जूगी, क्योंकि जे तुसी उस गलती का पछताव इत्थे ही कर लिया, तुसी खुद ही कर लिया, तो तुहाडे आने वाली पीढ़ी चाहे तुहाडे बच्चों नूं कदे नहीं भोगना पवेगा। परमात्मा गलती का एहसास होने ते उस गलती नूं गलती मनण दा एक मौका जरूर दिंदा, जे आपां ओह मौका भी गवा दिंदे आ तां फिर परमात्मा दी जिहड़ी लाठी आ उहदी आवाज़ नहीं आउंदी,
ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।